स्ट्रीट लाइन में आज हमारे साथ हैं नंदिनी कपूर। बहुत खूबसूरत गाती हैं, बहुत खूबसूरत गला है नंदिनी कपूर का। इससे पहले कि बातचीत की शुरुआत हो, आइए दोस्तों सबसे पहले नंदिनी से पूछते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर वो कहाँ आपको मिल सकती हैं। तो नंदिनी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर आप कहाँ मिल सकती हैं? हेलो एवरीवन, आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नंदिनी कपूर के नाम से ही मेरे पेजेस हैं। सो एंड यूट्यूब पे आल्सो नंदिनी कपूर के नाम से मेरा चैनल है, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नंदिनी कपूर के नाम से इनका चैनल है। नंदिनी, ये नाम सबसे पहले कहीं और भी सुना है या सिर्फ अपना नाम नंदिनी है यही पता? अपना नाम पहले पता चला था, लेकिन बाद में जब पूछा मैंने कि आपने नाम मेरा कैसे रखा था, सो दे टोल्ड मी कि एक मूवी आई थी उन दिनों, उसमें करिश्मा कपूर उसमें एक्ट्रेस थी, तो वहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने मेरा नाम नंदिनी रखा था, तो ये सुना था मैंने। अच्छा, अक्सर ये नाम रखने की प्रथा जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी होती है, इसमें नाम ढूंढा जाता है, फिर नक्षत्र, फिर उसके बाद ग्रह, फिर ये सब चीज़ें। क्या आप भी इन सब चीज़ों में बिलीव करती हैं? मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि नाम, आई थिंक अगर अक्षर निकाल के भी आप रखें तो वो भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसके बिना रखें तो इट्स ऑल्सो गुड। इट्स ऑल्सो गुड। जी, नंदिनी कब अच्छा लगता है और किसके मुंह से अच्छा लगता है आपको नंदिनी बुलाना? नंदिनी बुलाना मतलब क्या बोलूं मैं, कोई भी बुलाता है मुझे नंदिनी नाम से तो मुझे अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल खास, मतलब ये मुझे जब नंदिनी बुलाते हैं तो तृप्त, ऐसा लगता है जैसे भगवान के दर्शन हो गए। नंदिनी, मैं जब स्कूल में थी तो जब मेरे प्रिंसिपल सर मुझे बुलाते थे इस नाम से तो बहुत अच्छा लगता था, तो एक उस टाइम अच्छा लगता है, और एक जब मेरे जो मेरे टीचर हैं दीपक सर, जब वो मुझे बुलाते हैं नंदिनी, तो आई जस्ट फील वेरी गुड एट दैट टाइम। तो दोनों टाइम आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। आपके जो पिताजी हैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं आपको, बड़े एक्साइटेड रहते हैं आपके इंटरव्यूज को लेकर, आपकी वीडियोस को लेकर, तो आप अपनी इस कामयाबी में अपने पिताजी को कितना श्रेय देती हैं? मैं अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट सारा ही श्रेय देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है सिंगिंग में, क्योंकि मैं कभी भी आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि जब मेरे को सीखना था तो उनकी सपोर्ट के बिना तो मैं सीख नहीं सकती थी, और आज भी मैं सीख रही हूँ, और कभी कहीं भी जाना होता है तो मेरे पापा हमेशा मेरे साथ जाते हैं, तो मैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहती हूँ। अच्छा, क्रेडिट उनको देना चाहती हूँ। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे इरिटेट होती है कि यार इसकी शक्ल दिख रही नहीं तो ठीक है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है घर में। कॉलेज में कोई ऐसी शक्ल जो देखने का मन नहीं करता कि सुबह सुबह ये नहीं दिखनी चाहिए बाकी सब दिखें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, पहला झगड़ा कब किया? आई डोंट रिमेम्बर। झगड़े वैसे मेरे कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, कॉलेज में लेकिन खींचतान तो थोड़ी बहुत होती है। नहीं, कॉलेज में अभी तक मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ इनफैक्ट, बट स्कूल टाइम में हुआ करता था, तब मैं छोटी थी, एक मेरी क्लासमेट होती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मेरी क्लासमेट होती थी, तो उसके साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा। कभी धोया उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, झगड़ा भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन झगड़ा ऐसा होता था कि मतलब कोल्ड वॉर टाइप, ऐसे मुंह पे नहीं। अच्छा, ऐसे पूछना नहीं चाहिए पर गालियां देने का मन कभी करता है? गुस्सा आता होगा कि गालियां दो बहुत सारी? नहीं नहीं, गालियां मैंने नहीं दी आज तक, कभी नहीं दी है, और मन भी नहीं करता, क्योंकि एक शुरू से लेके जो आपका एक आदत बन जाता है, तो अब मुझे ऐसा कभी लगता भी नहीं कि मेरे को गाली देनी है। अच्छा, अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि आपको गाली देने का वो है ही नहीं। हाँ। अच्छा, नंदिनी आपके घर परिवार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इंस्पिरेशन है आपके लिए, जिनको देखकर आपको लगता है कि मुझे कुछ कुछ तो इन जैसा भी बनना है? सिंगिंग में बाद में पूछूंगा, लेकिन घर पे? घर पे मेरे इंस्पिरेशन मैं पापा को ही मानती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, और कोई भी काम वो करते हैं तो उसको पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं, और अगर एक बार बोल दिया कि ये करना है तो फिर कोई भी अल्टरनेटिव निकालना पड़े या कभी भी जाना पड़े तो वो जाते हैं, तो मैं उनको इस मामले में उनको इंस्पिरेशन मानती हूँ। अच्छा, मम्मी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि डांटती हैं? नहीं, कि बेटा पढ़ो, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी के साथ भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैंने पापा का इसलिए लिया क्योंकि अगर हम वर्क मोड से देखा जाए तो हमें जब कुछ काम करना हो तो मैं उनको इंस्पायर करती हूँ इस मामले में, क्योंकि वो कोई भी काम करना हो तो बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं। अच्छा, आपकी एक छोटी बहन भी है? जी हाँ। उसकी वो खास बात बताएं। उसकी
उसकी कोई उसकी खास बात यही है कि वो कोई भी टॉपिक हो उसको हमेशा एक फ़नी मोड में ले आती है, और कभी किसी का मूड ख़राब हो तो बहुत जल्दी उसका मूड ठीक हो जाता है उसकी, मतलब कोई भी सीरियस इशू हो उसको भी वो फ़नी वे में ले जाती है, तो ये उसकी बहुत ज़्यादा खास बात है। चलो अवार्ड बता दो कितने जीते हैं अभी तक। अवार्ड, एक मैंने जो सबसे पहले अवार्ड जीता था वो तब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी। दैट वाज ऑल, मतलब JNK का एक चिल्ड्रन म्यूज़िक ऑन द स्पॉट कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद निर्वाणा अकेडमी की तरफ से पंडित उमा दत्त संगीत महोत्सव में मैंने कंसेक्यूटिवली 2 ईयर्स मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीते हैं। उसके बाद जम्मू के हुनरबाज, एक स्टेट लेवल का कंपटीशन हुआ था जो कि पंजाब केसरी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, उसकी भी मैं विनर रह चुकी थी। एक दूरदर्शन का रियलिटी शो में मैं सेकंड रनर अप रह चुकी हूँ, आओ पहचान बनाए, वो काफ़ी टाइम था, अब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। और उसके बाद अभी एक दिल्ली में, एक अवार्ड नहीं था वो, बट एक अच्छा प्लेटफॉर्म था दिल्ली में, एकता मिशन की तरफ से सिंगर सितारों की खोज, उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसमें मैं अपने टीचर के साथ गई थी और हमने वहाँ पर परफॉर्म किया था, और वो एक बहुत अच्छा लेवल का कंपटीशन था जिसकी चेयर पर्सन ही लता मंगेशकर जी हैं, तो मेरे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी ये अभी तक की अचीवमेंट्स हैं। जी। नंदनी, कॉलेज में जो आपके आप फ्रेंड सर्कल है उसमें से कोई एक ऐसी दोस्त जो कहती है यार नंदनी जब तू आती है गाना पहले मुझे सुना दिया कर, बाद में तेरे से बातचीत होती रहेगी। ऐसा वैसे ऐसा कोई मतलब फ्रेंड तो नहीं है, बट ऐसे एक हमारे क्लास में एक लड़की है भारती, शी इज़ मतलब उस मतलब उसको दिखाई थोड़ा कम देता है, बट शी इज़ ऑल्सो इन टू सिंगिंग, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा करती है कि मतलब है शी इज़ ऑफ द सेम एज, बट वो मुझे फिर भी दीदी बोलती है, तो एंड वेन एवर जब हम मिलते हैं तो वो हमेशा कहती है कि आप प्लीज़ गाना सुनाओ गाना सुनाओ, तो इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ अच्छा लगता है। अच्छा जी नंदी, चॉकलेट अच्छे लगते हैं या फूल अच्छे लगते हैं? ये वो सवाल है जो ऑलमोस्ट सब जगह पूछा जाता है, हम भी पूछ रहे हैं। मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। चॉकलेट है, कोई खास वजह? जी, खास वजह यही कि टेस्ट, मतलब खाने के मामले में मुझे चॉकलेट ज़्यादा अच्छा, पसंद पहला चॉकलेट कब मिला एज अ गिफ्ट? तो मुझे याद नहीं है पहला चॉकलेट, आई डोंट रिमेम्बर, बट अच्छा आई चलो, थिंक पहला फूल कब मिला? पहला फूल नहीं पता अच्छा, अभी तक फूल कोई चांस नहीं, कोई फूल का नहीं चांस अभी तक नहीं है। नहीं नहीं चलिए ठीक है। अच्छा नंदिनी, क्या करने का इरादा है आगे जाके साइंस में, और ये जो सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, क्या आप IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं या कल हम नंदिनी को दी नंदिनी दी सिंगर के रूप में देखेंगे? मैं तो ये चाहती हूँ कि आप मुझे दीनानंदनी द सिंगर के रूप में देखें, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है शुरू से लेके, ड्रीम और है, पैशन है। ड्रीम है, पैशन है और क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मतलब यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, तो इसके लिए मैं साथ में अपनी पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, इसलिए आई एम वर्किंग ऑन द सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में पढ़ रही हूँ अभी, तो सिंगिंग बनने मेरा सिंगिंग मेरा पैशन है, तो मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, बहुत एक इस्टेब्लिश प्लेबैक सिंगर कि लोग मुझे जाने और अरे, क्या पहचान चाहेंगी आप पहचान ये चाहेंगी कि नंदिनी, या पहचान ये चाहेंगी कि जम्मू की बेटी नंदिनी ने किया कमाल और एक प्रसिद्ध गायिका बन गई हैं? ऑब्वियसली जम्मू को आगे लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि देखा जाए कि हमारा जम्मू थोड़ा अभी पीछे है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन स्पीड थोड़ी अभी बढ़ना शुरू हुई है, तो मैं चाहती हूँ अगर मेरी तरफ से मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी अच्छा, आप भी कंट्रीब्यूट के मूड में हैं, जी। पैसा नहीं कमाना? पैसा तो आएगा ही मतलब उसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर मेरे थ्रू कुछ ना, अगर मैं मतलब अपनी मैं स्टेट के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए एक प्राउड की बात होगी। सबसे करीबी दोस्त का नाम, मतलब सबसे करीबी दोस्त, जो दिल की धड़कनों से भी ज्यादा करीब है, जिसको पता है नंदिनी क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, दोस्त नहीं है अभी ऐसे भी तक, तो कोई फ्रेंड नहीं बने? नहीं कोई फ्रेंड इसी गॉसिप्स करते हो फोन पर शाम को, कोई आधा एक घंटा गॉसिप्स करते हो या नहीं? नहीं मैं शुरू से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि स्कूल से लेके अभी तक भी मेरा ऐसा ना फ्रेंड सर्कल कोई ऐसा रहा नहीं है, मैं ज़्यादा मतलब जैसे कि गॉसिप करना या फिर फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी भी करना मैंने वो भी नहीं किया है, और मेरे को कोई कोई इशू हो या कोई
मतलब कोई परेशानी है। प्रॉब्लम हो तो मैं ऐसे कर लेती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसे फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना या हमने घूमने जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप? आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है या आप अपना करते हो? नहीं किया जाता है कौन सेलिब्रेट। करता है, मतलब हु गिव्स यू द फर्स्ट सरप्राइज? वो एक होता है ना कि रात को 12 बजे, मतलब इसने मेरे को सबसे पहले कॉल की, या डैड ने 12 बजे आकर कहा कि बेटा हैप्पी बर्थडे, या इस तरह का कुछ कोई मोमेंट ऐसा याद आता हो कि यार ये तो सबसे अच्छा मोमेंट था? नहीं, घर पे पापा मम्मा ने तो 12 बजे कभी विश नहीं किया, लेकिन मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ तो वो सबसे पहले विश करती है 12 बजे, तो हम दोनों ही मनाते हैं इनिशियली। बाकी फिर बाकी दिन जो होता रहता है वो तो नॉर्मल वैसे ही, लेकिन 12 बजे वाला जो एक होता है सरप्राइज, वो मेरी सिस्टर ने दिया मुझे। जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन जिंदगी का सबसे, अभी तक की जिंदगी तो वैसे कितनी, अभी तो आप बच्चे हैं, तो हाँ इस पूरे जो कैरियर है आपका, इसका सबसे खूबसूरत दिन? सबसे खूबसूरत दिन, अब एक दिन तो हो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मोमेंट्स हैं, लेकिन एक दिन मैं नहीं बता सकती। आई एम रियली मतलब आप ये सॉरी। कह रहे हैं कि हर दिन खूबसूरत है। हर दिन, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा होता है जो हम सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं था। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप में। जी एक ऐसा दिन जिस दिन बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, थोड़ा रोया भी, थोड़े दुखी भी हुए, लेकिन फिर मन को मना लिया कि ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट है लेकिन मैं हारी नहीं अभी भी। वो एक की बार हुआ था जब मेरा सब्जेक्ट्स का इशू बना था बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब 15 डेज में आई हैड टू प्रिपेयर फॉर, लाइक मैंने नॉन मेडिकल से शिफ्ट किया था कॉमर्स में, और एग्ज़ाम्स में जस्ट 15 to 20 डेज थे, तो वो 20 डेज मेरी लाइफ के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के दिन थे, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से प्रिपेयर किया था। सो दैट वॉज द टाइम। अच्छा, वाइल्डेस्ट मोमेंट, जब आपका मन किया हो चिल्लाऊं, चीखूं, शोर मचाऊं, ये वो मोमेंट है जिसको मैं सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं आपको होता है ना, मतलब वही, कभी एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है तो बंदा बावला हो जाता है, पागलों की तरह चिल्लाना शुरू करता है, भाई हाँ मेरी पोजीशन वो, आ गई है, मल्ले वालों सुन लो। हाँ वही वही एक दिन हो सकता है, क्योंकि जब मेरा, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट चेंज किया था एक, तो वो मुझे बहुत टेंशन थी, और जब 12th का रिजल्ट आया आई गॉट 92% एंड 99 इन इकोनॉमिक्स, तो आई वॉज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। नंदी, मैंने आपको आपके वीडियोस देखे, कई वीडियोस में आपने चैनल के ऊपर बहुत खूबसूरत आपके इंटरव्यूज हैं, किशोर कुमार के गाने आप गाती हैं, और भी मतलब मैंने जो कुछ मटेरियल मिला उसमें एक चीज साफ झलकती है, वो ये झलकती है कि आप बहुत मेहनत, बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह की कामयाबी आपको मिलनी चाहिए थी, अभी तक वो कामयाबी आपके पास नहीं आई, उसका क्या कारण है? बिल्कुल, मतलब क्या कारण है कारण जरूरी? क्या है ये अभी, मतलब शायद मैं सही तरीके से ना बता पाऊँ, लेकिन आई थिंक कि मे बी ये हो सकता है कि अभी वो ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं कभी नहीं मिला है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सोशल नेटवर्किंग है वो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पावरफुल मीडियम मीडियम है आज के टाइम पे, तो अगर सोशल नेटवर्किंग के थ्रू अगर हम लोग, मतलब जैसे मेरे जैसे और भी ज़्यादा होंगे हमारे जम्मू में यूथ जो चाहते हैं आगे बढ़ना, तो सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम आगे जा सकते हैं, तो मैं वही ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रियलिटी शोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड हो चुके हैं आज के टाइम पे, तो उससे ज़्यादा प्रेफर मैं करती हूँ कि आप अपने इंडिविजुअल वर्क पे करें, लाइक सिंगल्स बनाने में या फिर ऐसे अपने सॉन्ग्स बनाने में जिससे लोग डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो सकें। नंदनी, एक चीज अगर आपको एक मौका दे दिया जाए कि चलिए भगवान की कुछ ताकतें आपको दे दी गई, एक चीज आप बदलना चाहें, क्या बदलेंगे? ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, हमें ऐसे नेचुरली देखा जाए कि नहीं, कोई कोई भी हम अपने से जुड़ी बताएं, आप थोड़ा लालची हो जाएं, छोड़े दुनिया का गेम, मैं भाई ये तो मैं पहले अपना आप ठीक करूंगी, बाकी देखती हूँ बाद में दुनिया का। अपने में मैं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, तो कोई एक चीज़ बताना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा भी तो कर सकती हैं कि आप अपनी किस्मत में सुपरस्टार लिखा लें, सुपरस्टार बन गई मैं। वो भी थोड़ा, फिर उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि फिर मुझे लगे कि नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं है, ऐसे कैसे सुपरस्टार बन जाएंगी बन जाऊंगी। एक कोई ऐसी चीज जो आपके आस पड़ोस में है और आपको बुरी लगती है? आस पड़ोस में ऐसी कोई चीज़, वैसे हमारा जो लोकेलिटी है वो तो अच्छी ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि झगड़े बहुत हो जाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, तो ये चीज़ थोड़ा ठीक करना चाहती हूँ। अच्छा, अब बिल्कुल आखिर में
आपको बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं आप सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप सबको मिलजुल कर रहना चाहिए हम सबको। कोई भी जो हेटेड है उसको आप लोग प्लीज़ अपने मन से निकाल दीजिए, सबके साथ प्यार से रहिए, और अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आप लोग किसी भी, जैसे सोशल नेटवर्किंग की हेल्प बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो प्लीज़ आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी टाइम पीछे जाने का नहीं है, आगे जाने का है। और जितना आप आगे जाएंगे आप अपनी स्टेट के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है नाम कमाने का। सोशल नेटवर्किंग को तो मैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दी दी लग गए हैं नामों के आगे सोशल नेटवर्किंग की वजह से। चलें आपके नाम के साथ भी दी लगे, आखिर में सिर्फ आपसे वो हिंदी में कहते हैं कि विनम्र विनती है कि कृपा करके आप जितने भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको एक प्यारा सा मीठा सा गीत सुना दें, ताकि उनको पता चले कि नंदिनी कपूर जितनी खूबसूरत तरीके से सवालों के जवाब देती हैं इतना ही खूबसूरती गाती हैं। ओके, मैं एक सॉन्ग सुना देती हूँ, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। थैंक यू।